कुंदन कुमार है, ये पुरुलिया पॉलिटेक्निक के हैं और ये पांचवा सेम का स्टूडेंट है। आप सब भी पांचवा सेम के ही समझे। तो ये अभी क्या है, इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, इस डिवाइस के मदद से घर का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है या जो इलेक्ट्रिक एप्लायंस है, यहाँ उन्होंने डेमो के तौर पर इलेक्ट्रिक बल्ब लिया है एलईडी, उसको ए ब्लूटूथ के माध्यम से कंट्रोल करेंगे, आपको ऑन ऑफ करके दिखाएंगे, मैसेज भी करके भी बंद कर सकते हैं, मतलब मैसेज भी कर दिए बॉल को, कह देंगे भाई बंद हो जा, बंद हो जाएगा। ये कुंदन अभी आपको डेमो करके बताएंगे, ये पूर्णिया पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के पांचवा सेमेस्टर के स्टूडेंट है और काफी खुशी है कि इस तरह का उन्होंने इक्विपमेंट बनाया। आप लोग को अभी डेमो के तौर पर दिखाएंगे, आप लोग इनके सम्मान में थोड़ा ताली बजा दो। बताइए, अभी आपको डेमो के तौर पर दिखाएंगे। थोड़ा हाइट करके दिखाइए ताकि सब लोग दिखाए, लो हम ही ऊपर कर देंगे। कनेक्शन कर रहे हैं उसके बाद दिखा रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई, आराम से बैठिए आप। अब देखिए वो अपना मोबाइल लिए हैं और मोबाइल से वो ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्शन के बाद वो आपको ये जो एलईडी यहाँ लगा हुआ है ना, ये जो एलईडी देख रहे हैं इसको कंट्रोल करके भी आपको बताएंगे। और ये देखो यहाँ एलईडी लगा हुआ है, चार एलईडी है इसको, और यहाँ भी है आपका, मतलब ये समझ लो कि ये किसी हाउस के अंदर किसी घर के अंदर ये सारे बल्ब लगे हुए हैं और इस बल्ब को वो ब्लूटूथ के माध्यम से कंट्रोल करके आपको बताएंगे, बोल करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना इट मींस ऑन ऑफ करना, यहाँ वो ऑन ऑफ करके बताएंगे आपको। हाँ देखिए वो अभी मोबाइल से कनेक्शन किए हैं डिवाइस का, अब देखिए दूसरा मोबाइल है, सबसे पहले हम उस सेंसर का टेस्टिंग करेंगे। ये सेंसर है, जितना ही क्लोज रहे कोई वस्तु ये शो करेगा, जैसे अभी क्लोज है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अभी अंडर 10 सेंटीमीटर के नियर में कोई ऑब्जेक्ट है, इस कारण से जोर जोर से और हमारा रेड लाइट जल रहा है, जैसे जैसे थोड़ा दूर है तो 20 सेंटीमीटर के अंदर 20 सेंटीमीटर में है और हमारा पीला बल्ब जल रहा है, और थोड़ा दूर अभी 30 सेंटीमीटर के अंदर में है और हमारा ब्लू बल्ब जल रहा है, और एलईडी पे सारा एलसीडी पे हमारा सारा शो हो रहा है। अभी हमारा अंडर 400 सेंटीमीटर में है ऑब्जेक्ट और हमारा ग्रीन बल्ब जल रहा है और हमारा एलसीडी पे भी शो हो रहा है।
अभी हमारा 50 सेंटीमीटर के अंदर में ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा व्हाइट बल्ब जल रहा है और बजट धीरे धीरे से आवाज कर रहा है। अब देखिए एक मिनट, अब क्या है ये देखो, ये सेंसर की मदद से इन्होंने कहा कि देखो अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंसर के काफी नजदीक है, ग्रीन रेड बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है कि इस टेक्नोलॉजी को हम हाउस के किसी बिल्डिंग के सेफ्टी पर्पस के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मान लो कोई टेररिस्ट या कोई चोर जो है, मान लो बैंक के नजदीक कोई चोर है, नजदीक आ जाएगा तो भाई बैंक के अंदर जो होगा लाल बल्ब जल हो जाएगा, बॉस अब ताला तोड़ने ही वाला है। मतलब थोड़ा सा दूर है तो आपका क्या हो जाएगा, देखो पीला बल्ब जलेगा, मतलब सामान उमान निकाल लिया ताला खोलने का। अब क्या है ये थोड़ा सा देखो ब्लू वाला जल रहा है, मतलब तनी अलर्ट हो जा रहे भाई, यही है ना। आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिवाइस को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कुंदन ने काफी बढ़िया डिवाइस बनाया है, देख लो इधर, पहले सेंसर का यूज करके सेंसर, अब इसको मोबाइल से कैसे कंट्रोल करोगे वो बताओ। अभी अब हम चेकिंग पर्पस के लिए 4 LED लिए हैं, व्हाइट है, रेड है, रेड ने पीला, ग्रीन और ब्लू है। ब्लूटूथ से कंट्रोल करके दिखाएंगे। अभी यहाँ पे हम पहला बटन दबाए, व्हाइट बल्ब जल गया, फिर इसी को प्रेस करेंगे बंद किए, वो हमारा बंद हो जा रहा है। अगर दूसरा हम जलाएंगे दूसरा बल्ब जल रहा है, और फिर हमारा इसी प्रेस करने पे बंद हो जा रहा है। थोड़ा सा फिर से बताओ, देखो सारा कुछ दिखाई देगा। अभी हम स्विच वन को ऑन करेंगे तो हमारा LED 1 ग्लो करेगा। जैसे ही हम स्विच वन को हम ऑफ करेंगे तो हमारा फिर से LED 1 ऑफ हो जाएगा। अगर स्विच 2 को ऑन करेंगे तो हमारा सेकंड LED ऑन होगा। 3 को करेंगे 3 वाला और 4 को करेंगे 4 वाला। साथ में हम चारों को ऑन करके रख सकते हैं। मान लिया हम कभी कहीं पे रूम में लॉक हो गया, फिर हम रूम में सोए हैं, कोई रूम को हम बाहर से बंद कर दिया तो हम सिक्योरिटी बटन ही दबा के चालू कर सकते हैं। ये वजह बताएगा कि हमें हेल्प चाहिए, और हमारा LCD पे दिखाया है कि हेल्प चाहिए हमको। देखो हेल्प लिखा रहा है, इन्होंने प्रोग्राम भी कर दिया है। डेमो क्लियर? अब मैसेज से देख लीजिए, मैसेज करेंगे हम। यहाँ पे है हमारा डेटा सेंड करने वाला बॉक्स, इसमें अगर A प्रेस करेंगे कैपिटल A तो हमारा बल्ब 1 जलेगा, और स्मॉल A प्रेस करेंगे सेंड करेंगे फिर हमारा बंद हो जाएगा। अगर कैपिटल B भेजेंगे तो हमारा सेकंड बल्ब जलेगा, स्मॉल B भेजेंगे छोटा जलेगा। अगर हम ई भेजेंगे तो हमारा अलर्ट जलेगा, अगर यहाँ पे हम हेल्प भी भेजेंगे तो हमारा सिक्योरिटी अलार्म बजेगा। देखो है ना तगड़ा। ये है कुंदन, क्या नाम है? चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत काफी अच्छा करेंगे, और आगे उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। आप सब भी अपने फ्रेंड को कोऑपरेट करो, इनकरेज करो, उत्साह बढ़ाओ कि ताकि अगले कुछ महीनों में और भी नए डिवाइस लेकर आपके सामने उपस्थित हो। और कुछ है? हमारा तीसरा कंट्रोल है वॉइस कंट्रोल से। देखो हेल्प, हम सारे बल्ब को इसी तरह से ए ए ए वो नहीं ले रहा है, माइक नहीं ले रहा है। Thank you.
ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें 14 से जो हमने बैच स्टार्ट किया था, आज तक किसी स्टूडेंट ने इस तरह का बेहतर परफॉर्मेंस जो क्लासरूम में की, जो वो किसी ने नहीं। इन्होंने हार्डवेयर काम करके, हार्डवेयर पर काम करके इतनी अच्छी काम किया है कि जो आप लोग के लिए एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है। और मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाले बैचेज है या जो आने वाले आपके जूनियर्स है, उनके लिए भी एक बड़ा सा मोटिवेशन है, एक बड़ा इंस्पिरेशन है। और आशा करता हूं कि कुंदन से आप लोग भी मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो अब जब जाएगा YouTube पर, तो ये YouTube पर जो वीडियो होगा आने वाले जूनियर्स के लिए, आने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो अपकमिंग बैचेज होंगे, उनके लिए भी एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन होगा कि हमारे सीनियर भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी करूंगा और मैं भी अपने टेक्नोलॉजी में अपना कुछ योगदान दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनकर।